हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल फ्रेंड्स। जो नेक्स्ट वीडियो है अपनी, मैं एक पहला सीरीज़ कंप्लीट करांगी जिदे विच के तुहानू पता लग जाए कि जो भी सब्जेक्ट तुहाडा बनदा है, तुसी जिस लिए भी अप्लाई करना चाहुंदे हो कि उहदियां की रिक्वायरमेंट्स ने ते प्रोसेस की होएगा। ठीक है जी, क्योंकि एक आपां नू पहला क्लीयर कट आइडिया होवे माइंड दे विच कि असी एलिजिबल हाँ या नहीं, जे नहीं हाँ तो की ऑप्शनस ने साढ़े को। सो फिर उस तो बाद जो है आप सिलेबस से उन्होंने बुक्स वाल मूव करांगे कि सिलेबस की है इन्हों सारे डिफरेंट सब्जेक्ट्स का, तो बुक्स जो हेल्पफुल हो सकती ने अपनी प्रिपरेशन के लिए वो मैं बाद विच डिस्कस करांगी। पहला आप जो इनका एलिजिबिलिटी है तो प्रोसेस है वो डिस्कस कर लेने कि मास्टर कैडर वास्ते, मतलब TGT लैवल वास्ते, अगर तुम मैथ्स की पोस्ट लिए अप्लाई करना चाहते हो तो जो रिक्वायरमेंट्स ने वो की ने। नाउ यू कैन सी के जो मेरे को नोटिफिकेशन है ये लास्ट ईयर दी है। ठीक है जी, 2017 जो तो इन्होंने रिक्रूटमेंट स्टार्ट की थी, 739 वैकेंसी से उदो मैथ्स टीचर दियाँ पंजाब दे गवर्नमेंट स्कूल्स विच, ते उन्हां दे जो उन्होंने विद्यक योग्यतावां रखियां सी। ठीक है जी, क्वालिफिकेशन रखियां सी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वो की सी कि ग्रेजुएशन दे विच तुहाडे कोल मैथमैटिक्स होना चाहिए एज़ वन ऑफ द इलेक्टिव सब्जेक्ट। ठीक है जी, या फिर BA दे विच अगर तुसी फिजिक्स ते मैथ्स दोनों पढ़े ने, मैथमेटिक्स ए कोर्स विद BT और BEd और सीनियर बेसिक ट्रेंड SBT जिन्हों आप कहने हैं, तो भी तुसी एलिजिबल हो। एंड इन्हां दे विचों चाहे तुसी आ कीता है या फिर ए वाला तुहाडे कोल ऑप्शन है, इन्हां दे विचों कोई भी एक हो सकती है, प्लस गाइडलाइंस ऑफ नैशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन आप देख लेने हैं कि उन्होंने यही कहा सी कि NCTE दे अकॉर्डिंग यही है कि थोड़ा जो BEd दे विच कॉम्बीनेशन है वो मैथ्स दा होना चाहिदा है, चाहे वो साइंस दे नाल होवे, चाहे वो किसी लैंग्वेज दे नाल होवे, डिपेंड करदा थोड़े सब्जेक्ट्स दे उपर। ठीक है जी, बट ग्रेजुएशन दे विच जो मैथ्स है थोड़ा एक कंपलसरी सब्जेक्ट रहा होवे ग्रेजुएशन दे तीनों साल दे विच, ते उस दे नाल ही जो थोड़ा PSTET 2 है वो पास किया होना लाजमी है। ठीक है जी, कंपलसरी है, उस तो बाद ही तुसी जो है एदे लिए अप्लाई कर सकते हो। सो PSTET जो है थोड़ा 2 वो सिर्फ थोड़ा जो है एक एदे लिए कह सकते हो तुसी कि एक एंट्री पास है कि तुसी एंटर हो सकते हो एदे विच। तो ये जो PS2 TET 2 के जो मार्क्स ने वो मैरिट के नहीं जोड़े जाते। ठीक है जी, जो ताड़ी एट लास्ट सिलेक्शन होनी है वो सिर्फ डिपेंड करती है कि थोड़े सब्जेक्ट टेस्ट के मार्क्स जो ने किन्ने आए ने। 150 मार्क्स का जो है टेस्ट लिया जाता है इस तो बाद जो तुसी PS TET 2 जो है क्लीयर कर लोगे। तो इन्हों जी जो स्टार्टिंग सैलरी है वो मिलती है 10,300 फॉर 3 ईयर्स, प्रोबेशन जो है 3 ईयर्स का होंदा। ठीक है जी, तो एज लिमिट जो है दैट इज़ 18 to 37 ईयर्स फॉर जनरल कैटेगरी। बाकियों के लिए तुसी देख सकते हो जो अनुसूचित जातियां ने उन्हां लई 5 ईयर्स की छूट है, बाकियों के लिए जो थोड़े एक्स सर्विसमैन ने उन्हां लई 45 ईयर्स तक वो अप्लाई कर सकते हैं, तो जो विडोज़ ने या फिर डाइवोर्स्ड वीमेन ने वह 42 ईयर्स तक अप्लाई कर सकदियां ने, तो जो भी पंजाब के हैंडीकैप ने उन्हां लई 10 ईयर्स की जो एग्जम्पशन है वो दिती जाती है। तो ये इन्होंने यही दस्या होया कि जो एलिजिबल कौन कौन ने, मतलब तुसी हुण देख लियो कि तुसी ग्रेजुएशन दे विच अगर मैथ्स कीता होया है कंपलसरी सब्जेक्ट दे अकॉर्डिंग तां वी तुसी एलिजिबल हो, या फिर तुसी BA दे विच फिजिक्स ते मैथ्स दोनों पढ़े हुए ने तां वी तुसी एलिजिबल हो। ठीक है जी, प्लस तुहाडा BEd दे विच मैथ्स जो है एक टीचिंग सब्जेक्ट रहा होवे तां ही तुसी इस दे लिए अप्लाई कर सकते हो। बाकी जो इस दे नाल रिलेटेड सिलेबस की वीडियो है ते बुक्स जो तुसी रैफर करनियां ने वो मैं इस तो बाद दसांगी। ठीक है जी, और अगर थोड़ा वीडियो अच्छी लगी हो तो बाकी नाल भी शेयर करो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।